जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपका एसएससी एमटीएस रिजल्ट 2023 के बारे में। दोस्तों, जो आपका एग्जाम हो चुका है और बहुत सारे बच्चे इसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब जारी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल वाला आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले ही एसएससी सीपीयू का रिजल्ट जारी हुआ है फाइनल। ठीक है, आपका एसएससी जीडी का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। ठीक है, फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी एसएससी के लगातार फाइनल रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि अभी कुछ ही दिनों में आपका होने वाला है रोजगार मेला। अगर फाइनल रिजल्ट निकलेगा तो इनको रोजगार मेला में जो है आपका ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अभी एसएससी का पूरा फोकस था कि हम फाइनल रिजल्ट दें, जैसे एसएससी जीडी का आपका आया, एसएससी सीपीओ का आया, तो इस प्रकार तो इसी कारण आपके एसएससी एमटीएस के रिजल्ट में देरी हो रही थी। ठीक है, हालांकि एसएससी एमटीएस का रिजल्ट इनसे पहले आना था, लेकिन इसी कारण एसएससी एमटीएस के रिजल्ट को रोक के रखा गया था। एसएससी एमटीएस वाले रिजल्ट में कुछ काम बच गया था जिसके कारण उस रिजल्ट को रोक दिया गया था, और इसको कंप्लीट करके पहले फाइनल रिजल्ट निकालने की ओर एसएससी का पूरा फोकस था। ठीक है, ताकि रोजगार मेला में उनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जा सके, ठीक है ना। तो अब आप बात करते हैं कि आपका एसएससी एमटीएस का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस का रिजल्ट, तो आपका रिजल्ट लगभग लगभग 28 अगस्त, ठीक है, सबसे ज्यादा संभावना जो है वो है कि 28 अगस्त को आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, और अगर 28 अगस्त को नहीं हुआ तो फिर आप सितंबर के फर्स्ट वीक में इंतजार कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वीक में, या तो 28 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आपके रिजल्ट आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है, और 28 अगस्त के अलावा भी एक डेट है, लेकिन इसमें संभावना थोड़ी कम है, लगभग 26 तारीख को बोला जा रहा है कि रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, लेकिन मैं मान चलता हूं कि 28 के लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि 28 को आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, और अगर 28 को नहीं आया तो सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने की सबसे ज्यादा संभावना रहेगी। ठीक है, क्योंकि जो आपका रोजगार मेला है वो अगस्त में ही हो जाएगा, तो इसलिए सबसे ज्यादा जो संभावना है वो है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप ये तीन डेट याद रखिए, इनमें आपके रिजल्ट आपके सामने होंगे। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल वाला आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।